बेलारूस से हो सकता है यूक्रेन पर परमाणु अटैक, बेलारूसी फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। बेलारूसी फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, लेकिन अभी तक वॉरहेड्स ट्रांसफर नहीं किए गए। अब तक जिस बात का डर सारी दुनिया को सता रहा था, उसी खतरे की अब सबसे बड़ी घंटी बेलारूस से बज रही है। रूस यूक्रेन जंग का नया फ्रंट यही देश बन सकता है, क्योंकि ब्रिटिश वेबसाइट डेली स्टार ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक बेलारूस से यूक्रेन पर परमाणु प्रहार हो सकता है। बेलारूसी फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी गई है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों को तैनात करने की मंजूरी दी है, जबकि यही बेलारूस में रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेलारूस के राष्ट्रपति ने देश पर हमले की आशंका जताई है। बेलारूस ने कहा था कि यूक्रेन उन पर हमला कर सकता है। बेलारूस खुद की सुरक्षा का हवाला देकर हमला कर सकता है। बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक हुआ तो रूस पर आरोप नहीं लगेगा। इससे पहले कल भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें बेलारूस की सड़कों से टैंक यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। और यूक्रेन के जंगी मैदान से आज का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। रूस यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की गन फाइट हुई है। वीडियो में जबरदस्त फायरिंग दिखे करते हुए नजर आए यूक्रेनी सैनिक, और यूक्रेनी जवानों ने रूसी फौज को कई इलाकों से फायरिंग करते हुए पीछे खदेड़ दिया। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। हवाई बमबारी से तबाही मचाने के साथ ही दोनों देशों के जवानों के बीच आमने सामने की गन फाइट भी चल रही है। वॉर जोन से एनकाउंटर का जबरदस्त वीडियो सामने आया है। डोनेस्क रीजन में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर जबरदस्त अटैक बोला। वीडियो में यूक्रेनी सैनिक रूसी टुकड़ी पर भयंकर फायरिंग करते दिखाई दिए। इलाके में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजें गूंजती रही। खबर है कि यूक्रेनी जवानों ने रूसी फौज को कई इलाकों से खदेड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच डोनेस्क और लुहांस्क में लड़ाई काफी तेज हो गई है। ये वो इलाके हैं जिन्हें पुतिन ने रेफरेंडम के जरिए रूस में विलय किया था, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से रूस के पैर उखड़ गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में भीषण जंग छिड़ी हुई है। डोनेस्क के बखमुट और सोलेदार में आर पार का युद्ध जारी है। यूक्रेन के सैन्य विश्लेषक ओलेह जदानोव ने कहा कि उत्तरी बखमुट में लड़ाई बेहद तेज है और यूक्रेन में रूसी सैनिकों को टोर्स के और स्क्राइन से खदेड़ दिया गया है। डोनेस्क के रूसी प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक यूक्रेनी हमले में डोनेस्क की प्रशासनिक इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि इसमें जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।